एक दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हफ्त के दूसरे शाही स्नान पर उमड़ी ऐतिहासिक भीड़। महाकालेश्वर की नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में अक्षय तृतीया के मौके पर हो रहे हफ्त के दूसरे शाही स्नान में सोमवार को करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह 4 बजे से साधु संत और श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। 13 अखाड़ों के साधु संतों ने क्रमबद्ध तरीके से शाही स्नान किया। पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा के बीच शाही स्नान के लिए रामघाट एवं दत्तखड़ा घाट रविवार रात पूरी तरह खाली करा लिया गया था। इन घाटों को अखाड़ों के स्नान के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। मोदी की डिग्री सार्वजनिक, आम आदमी पार्टी ने कहा फर्जी है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियों को सार्वजनिक करते हुए इस संबंध में लगाए जा रहे सभी आरोपों को सोमवार को खारिज कर दिया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी मुख्यालय में बीए और एमए की डिग्रियों को सार्वजनिक करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्रियों के संबंध में तथ्यों की पुख्ता जानकारी के बिना ही उनकी शैक्षणिक योग्यता पर आरोप लगाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है, क्योंकि बीए की अंक सूची पर 1977 का वर्ष अंकित है जबकि डिग्री पर 1978 का। आंध्र में खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत, 10 घायल। आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी में बिजारुल गांव में निजी वॉल्वो बस के सोमवार को सुबह खाई में गिर जाने से 8 यात्रियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भद्राचलम से राजामुंदरी जा रही बस घाट रोड पर चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और खाई में गिर गई। सभी घायलों को राम पशोदावरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए राजामुंदरी ले जाया गया। घायलों में से 8 की हालत नाजुक है। दुर्घटना के समय बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। पश्चिम बंगाल में विस्फोट से मकान ध्वस्त, कोई हताहत नहीं। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में पुलिस थाने के निकट सोमवार को विस्फोट में एक मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि रघुनाथपुर के हथखोला में एक मकान में सुबह करीब 9 बजे जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद मकान की छत उड़ गई और मकान में आग लग गई। पुलिस ने 2 भागों में विस्फोटक बरामद होने के बाद संदिग्ध लोगों की धरपकड़ का काम तेज कर दिया है। कश्मीर में सैन्य कॉलोनी के लिए जमीन नहीं, महबूबा मुफ्ती ने कहा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि राजधानी श्रीनगर में सैन्य कॉलोनी बनाने के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय पहुंची महबूबा ने कहा कि सैनिक कॉलोनी के लिए भूमि का आवंटन किए जाने संबंधी मीडिया में आई खबरें गलत हैं। हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों से सशस्त्र बलों ने ऐसी मांग की है। जब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।